आज के दिन राखी का त्यौहार पूरे देश में बड़े उमंग और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राखी का त्यौहार सबसे खूबसूरत त्यौहार माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांध उन्हें आशीर्वाद और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो वहीं भाई भी बहनों को तोहफे के रूप में उनकी रक्षा करने का वादा करते हैं। जहां आज सभी घरों में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है, तो वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्विटर पर पोस्ट कर रक्षाबंधन की देश को शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते नजर आए। नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने ट्विटर पर फोटो पोस्ट की है जिसमें वे छोटी छोटी बच्चियों से राखी बंधवाते हुए दिख रहे हैं। मोदी ने फोटो को शेयर करते हुए यंगस्टर्स को शुभकामनाओं के रूप में लिखा कि अ वेरी स्पेशल रक्षाबंधन विद दीज यंगस्टर्स, और इसके प्रति उन्होंने देश के लोगों को प्रेरणा देने की कोशिश भी की। आपको यह भी बता दें कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर से पहले प्रधानमंत्री की बहन जो पाकिस्तान में रहती हैं, जिनका नाम है कमर मोहिशी शेख, ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी भेजी है और उन्होंने साल 2024 के आम चुनावों के लिए प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं भी दी हैं। तो वहीं दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते दिखे, जिसमें उन्होंने आम लोगों से राखी बंधवाई। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री और उनके तमाम अन्य मंत्री हर त्यौहार पर हमारे देश के लोगों को कोई ना कोई संदेश देने की कोशिश करते रहते हैं और किसी अलग अंदाज में त्यौहार मनाते दिखाई पड़ते हैं। आपका प्रधानमंत्री के इस सुनहरे अवसर पर इस नए अंदाज में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। वैसे आप किस तरीके से मना रहे हैं रक्षाबंधन, वो भी कमेंट कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।